हेलो दोस्तों, ये है हमारा चैप्टर 13 ज्योग्राफी सीरीज का और ये है वेदर के ऊपर। सबसे पहले हम वेदर और क्लाइमेट के बीच में डिफरेंस देखेंगे, उसके बाद जो अलग अलग तरह का क्लाइमेट का डेटा है जो हम इकट्ठा करते हैं हम उसके बारे में जानेंगे और अलग अलग डिवाइसेस जो हम यूज़ करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जो क्लाइमेट और वेदर है इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है, नॉर्मली लोग इनको सेम मानने की गलती करते हैं। वेदर जो है वो वेरी करता रहता है, मतलब मान लीजिए आज गर्म वेदर है और कल अचानक बारिश हो गई तो हम कहेंगे कि कल रेनी वेदर है। तो वेदर जो है वो समय के साथ बदलता रहता है। पर क्लाइमेट एक जगह का जो है वो एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशंस वहाँ की कैसी है उसको दर्शाता है। जैसे अगर हम कहेंगे कि मलेशिया का जो क्लाइमेट है वो हॉट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा वहाँ पे बहुत ज्यादा तापमान रहेगा, बट एक ओवरऑल एवरेज जो है वो हॉट है, तो वहाँ का क्लाइमेट जो है वो हॉट हुआ। और क्लाइमेट निकालने के लिए किसी जगह का हम वहाँ के क्लाइमेट के डाटा को एक बहुत लंबे पीरियड के लिए, जैसे कि 35 सालियों से ज्यादा के लिए मेजर करते हैं और फिर हम इस कंक्लूजन पे निकलते हैं कि हाँ यहाँ का जो क्लाइमेट है वो ऐसा है। अब ये क्लाइमेट और वेदर मेजर करने की हमें जरूरत क्या है? क्लाइमेट और वेदर का हमारी जिंदगी के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अब मान लीजिए एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी है, और अगर हम ये प्रिडिक्ट कर पाएं ठीक ठाक कि आने वाला वेदर कैसा होगा, वेदर फोरकास्ट कर पाएं, तो उससे बहुत मदद हो जाती है फार्मर्स की। वो उसी हिसाब से प्लान कर सकते हैं कि कब सोइंग करनी है, कब हार्वेस्टिंग करनी है। उसी तरह जैसे मछुआरे हैं, अगर उन्हें पहले ही पता चल जाए कि कोई साइक्लोन आने वाला है तो उनकी जान बच सकती है। इसके अलावा एयर ट्रांसपोर्ट में, मिलिट्री ऑपरेशंस में और भी कई जगह इस फॉरकास्ट का बहुत हमें फायदा होता है। अब किसी जगह का वेदर या क्लाइमेट निकालने के लिए ऐसा कौन सा डेटा है जो हम वहाँ पे इकट्ठा करते हैं, तो हम एक के बाद एक देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेनफॉल की या फिर बारिश की। रेनफॉल के अंदर ही दूसरी तरह की प्रेसिपिटेशन जैसे कि स्नो, स्लीट और हेल भी इंक्लूड की जाती है। स्नो, स्लीट और हेल में क्या डिफरेंस होता है जल्दी से देख लेते हैं। स्नो जो है वो नॉर्मल बर्फबारी होती है। स्लीट और हेल में ये डिफरेंस है कि स्लीट सर्दियों में होती है और छोटी छोटी बर्फ की गोलियां गिरती हैं इसमें, और हेल जो है वो गर्मियों में होता है और इसको हम हिंदी में ओला कहते हैं कि बारिश के साथ जब ओले बरसते हैं। अब रेनफॉल को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसे कहते हैं रेन गेज। अब जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ऊपर एक फनल होती है, फनल में से पानी इकट्ठा किया जाता है और वो पानी नीचे जाता है, ग्लास बॉटल के अंदर इकट्ठा हो जाता है। बॉटल का मुंह जो है वो छोटा इसलिए रखा जाता है ताकि पानी जो है वो उड़ ना जाए, क्योंकि इस पानी को हमें बाद में मेजर करना है। फनल का जो मुंह है वो हमेशा जमीन से थोड़ा सा ऊंचा रखा जाता है ताकि जमीन से पानी के छींटे उछलकर फनल में ना गिर जाए। फिर इस बारिश के पानी को मेजर किया जाता है। बॉटल के अंदर जो पानी है उसे एक सिलेंडर के अंदर डाल लिया जाता है जिसका की डायमीटर 1.5 इंच होता है, और फिर इसके अंदर उस पानी की हाइट को नाप लिया जाता है और हमें पता चल जाता है कि कितने इंच बारिश हुई है। नॉर्मली हम 24 घंटे के पीरियड में पानी को इकट्ठा करके मेजर करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि एक दिन के अंदर कितनी बारिश हुई है, और फिर हम इसको नोट कर लेते हैं। जैसे कि मलेशिया की जो एवरेज रेनफॉल है वो 0.3 इंच है पर डे की। अब जिन इलाकों में बर्फबारी होती है वहाँ पे बर्फ को पिघला लिया जाता है और फिर उसको मेजर किया जाता है। इस तरह हम हर एक दिन का डेटा ऐड करते जाते हैं और महीने में हमें पता चल जाता है कि कितनी बारिश हुई है, और फिर साल के एंड में भी इसी तरह अगर हम ऐड करते जाएं तो हमें पता चल जाता है कि एनुअल रेनफॉल किसी जगह का क्या है। अगर हम कई सालों तक ये डेटा लेते रहें और हम उसका एवरेज ले लें तो हमें मीन एनुअल रेनफॉल किसी जगह का पता चल जाता है। जिन जिन जगहों पे सेम अमाउंट की बारिश होती है, अगर ऐसी जगहों को हम मैप के ऊपर लाइन से जोड़ देते हैं तो इस तरह की लाइंस को हम आइसोहयाट कहते हैं। अब अगला डेटा जो हम क्लाइमेट के लिए इकट्ठा करते हैं वो है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? जैसे हम कहीं भी अगर बैठे हुए हैं तो हमारे ऊपर जो हवा है एटमॉस्फेयर की वो हमारे ऊपर दबाव बनाती है और इसी को हम प्रेशर कहते हैं। इसे मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसे कहते हैं बैरोमीटर। ये एक लंबी सी ग्लास ट्यूब होती है जो ऊपर से सील्ड होती है और उसके अंदर मरकरी भरी होती है। मरकरी के ऊपर के हिस्से में कुछ नहीं होता, वहाँ वैक्यूम होता है, और इस ट्यूब को उल्टा जो है एक कंटेनर के अंदर रखा जाता है। उस कंटेनर के अंदर भी मरकरी होती है। अब इस कंटेनर के ऊपर का जो सरफेस है वहाँ पे जो मरकरी है उस पे हवा अपना दबाव डालेगी, उस जगह पे जो भी प्रेशर है वो उस मरकरी के ऊपर आएगा, और उस प्रेशर के कारण इस ट्यूब के अंदर जो मरकरी है वो ऊपर चढ़ जाएगी। तो जितना ज्यादा प्रेशर आएगा कंटेनर वाली मरकरी के सरफेस पे उतनी ज्यादा ट्यूब के अंदर ऊपर चढ़ जाएगी, और इससे हम किसी जगह के प्रेशर को नाप सकते हैं। सी लेवल पे
मर्करी कॉलम जो है उसकी हाइट 29.9 इंचेस या फिर 760 मिलीमीटर होती है। जब हम किसी ऊंची जगह पे जाते हैं तो वहां पे जो हवा है एटमॉस्फेयर की वो कम हो जाती है जो हमारे ऊपर हो, इस कारण वहां प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। अब जिन जिन जगहों पे सेम प्रेशर होता है अगर हम उसे मैप के ऊपर जोड़ दें लाइनों से तो ऐसी लाइंस को हम आइसोबार्स कहते हैं। एक बात और है कि मर्करी के ऊपर टेम्परेचर का भी असर होता है, तो हमें इस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए प्रेशर मेजर करते टाइम। एरोप्लेन्स के अंदर एक अलग तरह का एनेरॉयड बैरोमीटर यूज होता है और इसे हम ऑल्टीमीटर कहते हैं, क्योंकि ये ऑल्टीट्यूड मेजर करने के काम आता है, क्योंकि हमें पता है कि ऑल्टीट्यूड या फिर हाइट जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे प्रेशर कम होगा, तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम एक एरोप्लेन की हाइट भी नाप सकते हैं ऑल्टीमीटर का यूज करके। अगली क्वांटिटी जो हम मेजर करते हैं वो है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर जैसा कि हम सबको पता ही है कि थर्मामीटर द्वारा मेजर की जाती है, और थर्मामीटर के अंदर जो है मर्करी होती है वो गर्मी के कारण एक्सपेंड होती है, और जब कम टेम्परेचर होता है जब ठंड होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, और ऐसे हम मेजर कर पाते हैं। इसको हम डिग्री सेल्सियस और फेरनहाइट में मेजर करते हैं, और जब हमें टेम्परेचर मेजर करना होता है तो हम एयर का टेम्परेचर मेजर करते हैं, इसलिए हम उसे छांव में रखते हैं थर्मामीटर को, ना कि धूप में। और इसके लिए स्टीवेंसन स्क्रीन नाम का एक शेल्टर होता है जिसके अंदर थर्मामीटर्स को रखा जाता है। इसके अंदर हवा तो आती है पर डायरेक्ट धूप नहीं आती। नॉर्मली हमें मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर दोनों चाहिए होते हैं, इसके लिए हम एक स्पेशल टाइप का यू शेप का थर्मामीटर यूज करते हैं। अगर हमें मीन डेली टेम्परेचर चाहिए होता है तो हम मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज ले लेते हैं, और अगर मैक्सिमम और मिनिमम का हम डिफरेंस लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं उन्हें, तो हमें मिलता है डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर। और अगर हम साल के हॉटेस्ट मंथ का और कोल्डेस्ट मंथ का डिफरेंस लेते हैं तो हमें मिलता है एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर हम हर महीने का मीन टेम्परेचर एक ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं तो हमें इस तरह का ग्राफ मिलता है जिसे हम टेम्परेचर ग्राफ कहते हैं। अगर जहाँ जहाँ टेम्परेचर सेम रहता है उन लाइंस को हम ज्वाइन कर दें तो हमें जो लाइंस मिलती हैं एक मैप के ऊपर उसे हम आइसोथर्म्स कहते हैं। अगली क्वांटिटी जिसे हम मेजर करते हैं वो है ह्यूमिडिटी या फिर हवा में नमी कितनी है। जो एक्चुअल अमाउंट होता है वाटर वेपर का जो हवा में हो उसे हम ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और उसे कहते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। पर हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की जगह रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा देखते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? ये रेशियो होती है एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर में और वो वाटर वेपर जो कि वहां की हवा मैक्सिमम होल्ड कर सकती है। अब होता क्या है कि जो गर्म हवा होती है वो ज्यादा वाटर वेपर को होल्ड कर सकती है ठंडी हवा के मुकाबले। तो किसी जगह पे अगर हवा गर्म है तो वहाँ पानी होल्ड करने की उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, और वहाँ पे कितना पानी वो हवा होल्ड कर रही है उसको हम उसी रिस्पेक्ट में देखेंगे कि वो मैक्सिमम कितना कर सकती थी और वो कितने परसेंट वाटर वेपर वो होल्ड कर पा रही है। अगर 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहीं है तो इसका मतलब वो अपने मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी का 50% वाटर वेपर होल्ड कर रही है। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 100% होती है इसका मतलब एयर के अंदर जो है वाटर वेपर अब और नहीं आ सकता और वो होल्ड नहीं कर सकती और एयर कम्प्लीटली सैचुरेटेड है, और एयर के टेम्परेचर को हम इस पॉइंट पे कहेंगे ड्यू पॉइंट। ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है उसे हाइग्रोमीटर कहते हैं, और इसमें वेट और ड्राई बल्ब थर्मामीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है जो एक साथ रखे जाते हैं। वेट बल्ब थर्मामीटर हमें ये बताता है कि अगर एयर के अंदर वाटर वेपर अपनी पूरी कैपेसिटी पर है तो मर्करी का लेवल कितना होगा, और फिर हम इसे ड्राई बल्ब वाले से कंपेयर कर सकते हैं कि वहाँ मर्करी का लेवल कितना है, और इनके कंपैरिजन से हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी का पता चल जाता है। अगली क्वांटिटी जिसे हम मेजर करते हैं वो है हवा या फिर विंड। जब हवा चलती है तो उसकी एक डायरेक्शन और एक स्पीड होती है, इन्हीं दो चीज़ों को हम मेजर करते हैं। डायरेक्शन पता लगाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं उसे कहते हैं विंड वेन। विंड वेन्स कई तरह के होते हैं, और नॉर्मली एक वेन जो है वो मूव कर सकती है और हवा जैसे चलती है वो उसी डायरेक्शन में पॉइंट करती है, और नीचे जो है हमें डायरेक्शंस दी हुई होती हैं जिनसे हम पता चल जाता है कि हवा किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। विंड्स को हमेशा उस नाम से जाना जाता है जिस डायरेक्शन से वो फ्लो करती हैं। अब मान लीजिए कोई विंड अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आ रही है तो हम उसे कहेंगे साउथ वेस्ट विंड। और विंड की स्पीड निकालने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं उसे कहते हैं एनीमोमीटर। इसमें 3-4 कप से लगे होते हैं, जैसे जैसे हवा चलती है ये उसके साथ रोटेट करते हैं, उतनी ही तेजी से रोटेट करते हैं जितनी तेज हवा चलती है, और हमें स्पीड का पता चल जाता है। अगली क्वांटिटी जिसे हम मेजर करते हैं वो है सनशाइन या फिर धूप। सनशाइन मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो है सनडायल। ये 4 इंच होता है डायमीटर में। इसमें सन की रेस को एक सेंसिटाइज कार्ड के ऊपर फोकस किया जाता है, और जब कार्ड गर्म होता है तो उस पर लाइन ड्रॉ की जाती है,
और सनशाइन मेजर की जाती है। अब मैप के ऊपर ऐसी जगहों को अगर हम जोड़ दें जहां सनशाइन सेम होती है तो ऐसी लाइन को कहते हैं isohels। ये था पार्ट वन। पार्ट टू में हम क्लाउड्स के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।